दोस्तों 2021 की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक कौन सी है 110 सीसी में, जिसे आप लोग खरीद सके, जो आपके पेट्रोल के पैसे तो बचाए ही साथ में आपको भयंकर माइलेज दे सके, जिससे आप लोग और भी ज्यादा खुश हो सके। इस वीडियो में हम सिर्फ माइलेज की बात करेंगे। अगर हम बोनस टिप्स की बात करें तो मैं आपको इन सभी बाइकों के ऑन रोड प्राइस के साथ साथ माइलेज बताऊंगा, जिससे आप लोग हमारे इस चैनल से और भी ज्यादा खुश हो सके। दोस्तों तो देर किस बात की, लाइक का बटन जरूर दबा दें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसके बगल में बेल आइकॉन का बटन है उसको जरूर दबा दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें बाइक और स्कूटर के बारे में तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब मैं आपको 110 सीसी की उन सभी बाइकों के नाम बताता हूं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम हीरो की बात करते हैं तो हीरो में आपको पैशन प्रो 110 सीसी BS6, हीरो की आई स्मार्ट 110 सीसी BS6। अगर हम बजाज की बात करते हैं तो बजाज में प्लाटिना 110 सीसी जो ABS के साथ आई है BS6 में उसकी, और उसके अलावा एच गियर 110 सीसी, CT110X और CT110 सीसी, ये बाइकें आपको बजाज में मिल पाएंगी। TBS की बात करें तो वहां पर आपको मिल पाएगी TBS की स्पोर्ट 110 सीसी, स्टार सिटी 110 सीसी और TBS रेडियन 110 सीसी। अगर हम होंडा की बात करें तो होंडा में आपको होंडा लीबो 110 सीसी BS6 और होंडा CD 110 सीसी BS6, यही सारी बाइकें आपको 110 सीसी में मिल पाएंगी। अब हम इनकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी ऑन रोड प्राइस में ये बाइकें आपको मिल पाएंगी। तो अगर हम पैशन प्रो की बात करें तो लगभग आपको 83,000 से 85,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में ये मिल जाएगी। आई स्मार्ट 110 सीसी आपको लगभग 83,000 से 85,000 या 80,000 से 85,000 रुपये के बीच में मिल सकती है। वहीं अगर हम लीवो की बात करें तो लीवो आपको लगभग 85,000 रुपये में मिल जाएगी, और CD 110 सीसी आपको लगभग 78,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में मिल सकती है। स्टार सिटी की बात करें तो ये भी आपको लगभग 80,000 से 82,000 रुपये में मिल सकती है। स्पोर्ट में कई मॉडल आते हैं जैसे किक स्टार्ट, अलॉय व्हील, सेल्फ स्टार्ट, तो ऐसे में ये आपको लगभग 65,000 से 68,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में मिल जाएगी। रेडियन की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आपको लगभग 78,000 से 80,000 रुपये के बीच में मिल पाएगी। और अगर हम बजाज की बात करें तो प्लाटिना 110 सीसी ABS के साथ आपको लगभग 75,000 से 76,000 या 77,000 रुपये में आपको मिल सकती है। वहीं CT 110 की बात करें तो लगभग 67,000 रुपये या फिर 68,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में ये सारी बाइकें आपको मिल सकती हैं। अब हम दोस्तों माइलेज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कौन कौन सी बाइकों के माइलेज को टेस्ट किया है। तो इनमें मैंने जो टेस्ट किया है वो स्टार सिटी और रेडियन की माइलेज को टेस्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बहुत से लोगों की माइलेज की वीडियो देखी है कि उन्होंने क्या बताया है माइलेज की। इसके अलावा जो मुझे 21 सालों का अनुभव है, जिससे मुझे ये पता रहता है कि लगभग कितने की माइलेज देंगी, और वो जो मैं लगभग आपको बताता हूँ वो कभी गलत नहीं होता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दिया है। तो अब हम इन सभी बाइकों की माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जिनकी माइलेज मैंने टेस्ट की हुई है, जैसे कि स्टार सिटी। तो स्टार सिटी ने मेरी टेस्टिंग में लगभग मुझे 75 तक की माइलेज दी है, और वहीं रेडियन ने मुझे लगभग 78 तक की माइलेज दी है। वहीं अगर हम स्पोर्ट की बात कर लेते हैं तो ये आपको लगभग 75,000 से 80,000, क्योंकि इसका थोड़ा सा वजन कम रहेगा, थोड़ी सी हल्की दिखती है, तो लगभग आप मान के चलें कि 75,000 से 80,000 के बीच में ये बाइक आपको माइलेज दे सकती है। अब रही बात पैशन प्रो की दोस्तों, तो मैंने माइलेज टेस्ट नहीं की है, बहुत से लोगों ने टेस्ट किया है तो 62, 65 ऐसे आप माइलेज बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लगभग 65 या 67 की हो सकता है हो जाए, लेकिन आप ये मानकर चलें कि 65 तक की माइलेज पैशन प्रो दे सकती है। वहीं आई स्मार्ट में सेम इंजन है, इसलिए वो भी लगभग आपको 62 से 65 तक की माइलेज दे सकती है। प्लाटिना ABS की मैंने माइलेज टेस्टिंग की, कुछ वीडियोज देखी, कुछ लोगों से जानकारी ली, कुछ ग्राहकों से भी मैंने पूछा, तो उनके हिसाब से लगभग 65 तक की माइलेज मिल रही है। अब कुछ लोगों को 70 की मिले तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप जो खरीदेंगे, जो मैं आपको लगभग बता रहा हूं, उसी अंदाजे से ही आप खरीदेंगे। तो प्लाटिना में लगभग आपको 110 सीसी में लगभग आपको 65 या 67 तक की माइलेज मिल सकती है। वहीं CT 110 सीसी में आपको लगभग 70 से 75 या 70 की माइलेज आप मानकर चले, 75 और 76 ना माने, क्योंकि ये कार्बोरेटर की बाइक है, बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएगी, तो और 110 सीसी की बाइक है, तो लगभग आप 70 की माइलेज मान सकते हैं कि CT 110 चाहे X लें चाहे CT 110 लें, आपको माइलेज मिल जाएगी। इसके अलावा भैया जो बाइक अब कोई बची नहीं है, लीवो और CD 110 की बात करें तो लीवो की मैंने माइलेज टेस्ट नहीं की है दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों की टेस्टिंग में इस बाइक ने लगभग 65 की माइलेज दी है। अब जैसे बहुत से लोगों से मैंने पूछा तो उनकी SP भी 65-70 की दे रही है, लोग चेक कर रहे हैं कि लीवो में भी 65 की माइलेज आ रही है। फिलहाल अभी मैंने जब खुद क्लियर चेक नहीं किया है तो मैं 65 की माइलेज मानकर चल रहा हूं इस वीडियो में कि इतने तक की माइलेज ये बाइकें दे सकती हैं। तो मैंने आपको सबकी माइलेज बता दी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा माइलेज के लिए आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगर
आपका सिर्फ उद्देश्य है कि आपको सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक लेनी है, तो मेरे हिसाब से इस टीवीएस की स्पोर्ट आपको सबसे ज्यादा माइलेज दे सकती है। वो फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है और 110 सीसी के साथ आती है, तो आपको पावर भी मिल जाएगी और साथ में माइलेज भी मिल जाएगी। इसके अलावा इसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो टीवीएस की स्टार सिटी जो मैंने चेक की है 75 की, तो आप 75 की बिल्कुल मत मानो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको गारंटी के साथ 75 की मिल जाएगी, आप 70 की मानो। 70 की और 75 की इन तीनों बाइकों में, जैसे स्पोर्ट, रेडियन या फिर स्टार सिटी प्लस, इनमें सेम इंजन है, तो आप 70 से 75 तक की माइलेज मान कर चल सकते हैं। मैंने जो टेस्ट किया था वहां पर रफ राइडिंग में चेक किया था तो इतनी इसमें माइलेज निकली। तो अगर आप ज्यादा माइलेज की बाइक चाहते हैं तो इनके साथ साथ आपको सीटी 110 सीसी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो कार्बोरेटर के साथ आती है। एक तो कम कीमत में आपको मिल जाएगी, जैसे कि 67 से 68 हजार रुपये मिल जाएगी, तो वहां पर आपको अगर आपकी प्राथमिकता बिल्कुल पैसे बहुत कम देने हैं, माइलेज भी आपको चाहिए, तो सीटी 110 सीसी और टीवीएस की स्पोर्ट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि टीवीएस स्पोर्ट और सीटी 110 सीसी की प्राइस लगभग सेम है। तो यहां पर अगर आप फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी चाहते हैं तो आपको स्पोर्ट के साथ जाना चाहिए, और अगर आपको सीटी 110 सीसी कार्बोरेटर वाली चाहिए तो आपको 67 से 68 हजार रुपए में सीटी 110 सीसी मिल जाएगी। ये थी, तो मैंने यहां पर ये क्लियर किया कि सबसे ज्यादा माइलेज देंगी टीवीएस की तीनों बाइकें। इसके अलावा मैंने क्लियर किया कि अगर आपको कम कीमत में बाइक चाहिए तो टीवीएस स्पोर्ट और सीटी 110 सीसी बाइक खरीदनी चाहिए। अब मान लो आपके मन में आता है भैया मुझे ये नहीं पसंद है, आपको इनका मॉडल और डिजाइन पसंद नहीं है, तो इसके अलावा आप ले सकते हैं जैसे कि पैशन प्रो और लीबो, क्योंकि इनकी सेम माइलेज है, तो आप इनमें से जो मॉडल आपको पसंद हो वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि मैं इस वीडियो में सिर्फ माइलेज की बात करूंगा, तो आपके पैशन प्रो या फिर लीवो में से एक चुननी चाहिए, क्योंकि ये सेम माइलेज और सेम लगभग प्राइस इनका सेम रहेगा, तो इन दोनों में से आप बाइक चुन लें। इसके अलावा दोस्तों अब काम की बात एक और हो जाए, जैसे प्लाटिना 110 सीसी में आपको एबीएस भी मिलेगा, माइलेज भी लगभग 65 तक मिलेगी, जो कि लीवो और पैशन प्रो के बराबर है, साथ में इसके पैसे भी आपको लगभग 5 से 7 हजार रुपए कम देने पड़ेंगे और एबीएस भी आपको मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्लैटिना लेनी है, क्योंकि उसमें आपको फीचर्स भी ज्यादा मिल रहे हैं, पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं और आपको माइलेज भी उतने की मिल रहे हैं, साथ में आप 20 से 50 रुपए का पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ आती है। तो यहां पर मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी, एक तो कम कीमत वाली जो ज्यादा माइलेज दे सके वो भी बता दी मैंने, और साथ में मैंने आपको ज्यादा माइलेज भी बता दी। इसके अलावा मैंने प्लैटिना और इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी दोस्तों। तो अब आप इसमें से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने की माइलेज, कितने कौन सी बाइक आपको खरीदनी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर मैंने जो आपको माइलेज बताई है ये लगभग माइलेज बताई है, और दूसरों की टेस्टिंग के और अपने अनुभव के आधार बताई है, क्योंकि अब जैसे कुछ लोग निकाल रहे हैं कि 62 और 65 की माइलेज लीवो दे रही है, जबकि एसपी में मैंने देखा कुछ लोगों की 70 तक जा रही है, 65 तक जा रही है। अब आप खुद सोचो कि मैंने सुपर स्प्लेंडर में लगभग 60 से 62 की माइलेज चेक की हुई है और लोग 65 की बता रहे हैं पैशन प्रो की, तो हो सकता है वो ज्यादा दे दे, लेकिन आप ये मान कर चलो कि आप जो बाइक खरीदोगे वो लगभग 60-65 की देगी, उसके अलावा अगर देगी तो फिर ये आपके लिए बोनस टिप्स होगा। लेकिन फिलहाल मैंने जिन बाइकों की माइलेज टेस्ट की, टीवीएस की बाइकों की, उनको मैंने नंबर एक पर रखा कि वो ज्यादा माइलेज दे सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए उनको रफ राइडिंग करके ही उनकी माइलेज को टेस्ट किया था। तो बेस्ट 110 सीसी बाइक जो आपको सबसे ज्यादा माइलेज दे सके मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अब आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन सी बाइक खरीदना चाहोगे। अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो मान लो, तो आप उस कमी के बारे में मुझे जरूर बताएं, जो आपके मन में हो उसके बारे में आप जरूर बताएं, जिससे मैं अगली वीडियो में उस कमी को दूर कर सकूं और मैं आपको और भी जानकारी दे सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे बाइक वाइन बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।